विराट कोहली आईपीएल 2024 के मैच नंबर 36 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जिस तरह आउट हुए वह लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कोहली फुट टॉस गेंद पर आउट हो गए, जिसे कुछ लोगों ने नो बॉल बताया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू इस विकेट को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि छाती ठोके कहूंगा कि नॉट आउट है। उन्होंने बताया कि गेंद जब बल्ले पर लगी तब करीब 1.5 फुट ऊपर थी। बता दें कि हर्षित राणा की स्लोअर गेंद पर विराट कोहली कॉटन बोल्ड हुए थे। हर्षित ने जिस तरह की गेंद फेंकी थी वह देखने में नो बॉल लग रही थी, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने चेक किया तो यह लीगल गेंद मानी गई और कोहली को आउट करार दिया गया। बता दें कि यह वाकया कोलकाता और बैंगलोर के बीच खेले गए मैच की दूसरी पारी के दौरान तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हुआ था, जब आरसीबी बैटिंग कर रही थी। अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंट्रेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कोहली के विवादित विकेट पर बात करते हुए कहा, मैं कहता हूं छाती ठोक के कि यह नॉट आउट है। गेंद बल्ले पर लगती है तो कम से कम 1.5 फुट ऊपर है। मुझे लगता है कि यह रूल बदलना चाहिए, हर हालत में बदलना चाहिए। एक ही फैसले ने इस गेम के रंग में भंग डाल दिया है। बता दें कि अंपायर के फैसले के बाद कोहली काफी गुस्से में पवेलियन लौटे थे।